दोस्तों अगर आपने भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले T20 मुकाबले का लाइव एक्शन मिस कर दिया है तो फिर हाईलाइट देखने के लिए हो जाइए तैयार और लगे हाथ वीडियो को भी कर दीजिए लाइक और साथ ही चैनल को भी कर लीजिए यार सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलती है आपको क्रिकेट हाईलाइट। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत की टीम जब श्रीलंका दौरे पर थी तो भारत को ओडीआई सीरीज में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, जिसके चलते गौतम गंभीर पर भी कई सारे सवाल उठे थे। लेकिन इस सीरीज से पहले गौतम गंभीर ने कई बड़े फैसले लिए इस मुकाबले में, जहां भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और उसके बाद मैदान पर उतरे SSV जयसवाल और शुभमन गिल। दोनों के बीच में जबरदस्त पार्टनरशिप होती है। पहले विकेट के लिए दोनों ने शानदार बल्लेबाजी की। पावर प्ले में भारत ने कोई भी विकेट नहीं खोया और इंग्लैंड के गेंदबाजों को खूब जमकर धोया। जी हां, भारत ने 6 ओवर की समाप्ति पर 93 रन ठोक डाले थे। जी हां, 93 रन सिर्फ 6 ओवर में, जहां पर SSV जयसवाल के 59 तो वहीं शुभमन गिल के भी 30 रनों की बेहतरीन पारी देखने को मिली थी। उसके बाद जैसे ही शुभमन गिल आउट होते हैं उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते हैं। सूर्य कुमार यादव तो वहीं दूसरी तरफ है SSV जयसवाल, जहां पर SSV जयसवाल एक छोर से चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे तो वहीं समझदारी वाला काम किया सूर्य कुमार यादव ने कि वो SSV जयसवाल को स्ट्राइक देते चले गए और फाइनली SSV जयसवाल ने इस मुकाबले में 39 गेंदों में ठोक डाला T20 का खतरनाक शतक। जी हाँ, हालांकि उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी अपने बल्ले से और चौके और छक्कों की बारिश की। इस प्रकार से भारत ने इस मुकाबले में 261 रन बनाए और जवाब में जब इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी तो इंग्लैंड जो कि खूंखार क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर है, लेकिन इंग्लैंड की टीम सिर्फ 154 रन बना पाती है और भारत इस मुकाबले को बड़े अंतर से जीत जाता है। तो आपको क्या लगता है आने वाले T20 मुकाबले कौन सी टीम जीतेगी, अपनी कीमत कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।